सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एलकेमी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं आपकी अध्यापिका रूपल। कैसे हैं आप सब। अच्छे घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है। आप ये सोच रहे हो कि मैम ने आज क्या रखा है ये नीचे, सोच रहे हो ना। हाँ, आज हम लोग आज एक्टिविटी करेंगे, यानी हिंदी की गतिविधि। एक्टिविटी को हिंदी में गतिविधि कहते हैं। कौन सी, अ की मात्रा की और आ की मात्रा की। हमें इसमें से ढूंढना है कि अ की मात्रा वाले शब्द कौन से हैं और आ की मात्रा वाले शब्द कौन से। पढ़कर पहचानना है और उसे अ की मात्रा वाले बाउल में डालना है, और दूसरा है आ की मात्रा वाला बाउल, आ की मात्रा वाले शब्द इसमें डालने हैं। तो शुरू करें। चलो, आपको पढ़ना है, एक एक को आना है मेरे पास और पढ़ना है इसे अच्छे से, धीरे से इसे खोलना है। क्या है ये, पढ़ो। क द म। तो इसमें से अ की मात्रा वाला बाउल कौन सा है, ये रहा, तो इसमें डाला। समझ में आया आपको, क द म। दूसरा, ये क्या है, चा व ल, आ की मात्रा वाला ये रहा। कितना मजा आ रहा है। चलो अब और दूसरा, ये सड़क, ये क्या है, बस। क्या है, बस। तो ये किसमें जाएगा, अ की मात्रा वाले में। अब और दूसरा उठाते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ये क्या है, नल। क्या है, नल। ये किसमें जाएगा, अ की मात्रा वाले शब्द में। ये पहचानो इसको, ना क। ये कौन सी वाली मात्रा में जाएगा, बहुत अच्छे से, आ की मात्रा वाले बाउल में। ये बहन, कौन सी मात्रा वाला शब्द, अमात्रिक शब्द। ये आ की मात्रा वाला दावत। ये पहचानो, गगन, गगन, गगन मतलब आकाश। कौन सा वाला शब्द है ये, अ की मात्रा। ये चल, ये भी कौन सा है, अ की मात्रा वाला। अ की मात्रा वाले तो बहुत सारे हो गए। ये आ की मात्रा वाला, पहचानो इसे अच्छे से, कागज, जो मैंने यहां हाथ में पकड़ के रखा है। ये जल, जल यानी पानी जो हम पीते हैं। ये किसमें जाएगा, अ की मात्रा वाले। ये अचार, अचार खट्टा मीठा, अच्छा लगता है ना। कौन सी मात्रा, आ की मात्रा। तो बच्चों आपने देखा कितना मजा आया हमको, हमने अ की मात्रा और आ की मात्रा को दोनों की तुलना करके शब्द देखे, दोनों शब्दों को अलग किया। तो देखा बच्चों आपने, हमारी इस एक्टिविटी से जो हमारा कल का ग्रह कार्य था वो भी जुड़ा हुआ है। उसी ग्रह कार्य को हम आज उस ग्रह का कार्य को पूरा करेंगे और देखेंगे कैसे अमात्रिक शब्द और आ की मात्रा वाले शब्द एक बॉक्स में है और उनको हमें अलग अलग करना है। तो चलते हैं हमारे ग्रह कार्य की तरफ। मध्यवर्ती शब्द कौशल। प्रश्न एक, अमात्रिक शब्द व आ की मात्रा के शब्दों को छाट कर लिखो। अमात्रिक शब्द, आ की मात्रा के शब्द, इस बॉक्स में से हमको शब्द ढूंढने हैं और अमात्रिक शब्द में और आ की मात्रा में लिखने हैं। पहला शब्द है राजा, तो राजा कहाँ जाएगा, अ की मात्रा में या आ की मात्रा में, आ की मात्रा में। तो लिखेंगे आ की मात्रा की तरफ राजा। कम, कौन सा शब्द है, अमात्रिक यानी अमात्रा वाला, तो हम इस तरफ लिखेंगे। खाना, आ की मात्रा वाला। हल, अ की मात्रा वाला। माता, आ की मात्रा वाला। न मन, अमात्रा वाला। चलना, आ की मात्रा वाला शब्द। पवन, अ की मात्रा वाला। जाना, आ की मात्रा। अचकन, अ की मात्रा वाला।
तो जानते हैं इसके उत्तर। हमने इस तरह इनको लिखा, अमात्रिक शब्द और आ की मात्रा वाले शब्द। तो आपने देखा किस तरह मैंने इनको अलग जमा कर और इधर आ की मात्रा के शब्दों को जमा कर लिखा। कितने अच्छे लग रहे हैं, आपको भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसी तरह अच्छे से लिखना है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द लिखो। ह ठ हट, र थ रथ, म ह ल महल। कैसे शब्द है? अमात्रिक शब्द। और इधर है आ की मात्रा वाले शब्द, इनको जोड़कर भी हम ऐसे लिखेंगे। ख में आ की मात्रा खा, त में आ की मात्रा ता, खाता। अ में आ की मात्रा आ, र में आ की मात्रा रा, म आराम। ब में आ की मात्रा बा, ज में आ की मात्रा जा, र बाजार। आओ जानते हैं इसके सही उत्तर को हमने किस तरह लिखा। ह ठ कैसे लिखा हमने? हट, र थ रथ। देखा आपने, हमने इस तरह कैसे हमने शब्द जोड़कर लिखे हैं, वर्णों को अच्छे से जोड़ा और शब्द बनाए। प्रश्न 3, वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ। बच्चों ये सब उल्टे सीधे व्यंजन दिए हुए हैं, इनको हमें सही व्यंजन के रूप में जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है। क म ग ल श, तो कौन सा शब्द बनेगा? श ल गम, शल गम। प्रश्न ख न त र ब, तो कौन सा शब्द बनेगा? ब र त न, बर्तन। प्रश्न ग ना जा, ये कौन सी मात्रा वाले हैं? आ की मात्रा वाले, तो सही शब्द बनेगा जाना। क्या बनेगा? जाना। घ म का, तो इस सही शब्द क्या बनाएंगे हम? काम। तो आपको समझ में आया कि किस तरह हम इसके सही शब्द बनाए। चलो जानते हैं इसके सही उत्तर। हमने इस तरह इनके सही उत्तर को यहाँ पर लिखा है, आपको भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों हमने पुनरावर्तन किया, एक्टिविटी की, इन दोनों चीजों से आज हमने ये सीखा कि कैसे हम अ की और आ की मात्रा के नए नए शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। उसे हमें नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं और हमारी शब्द रचना भी अच्छी होती है। साथ साथ में आपको उसे लिखने का भी अभ्यास करना है ताकि आपकी उच्चारण में भी इसकी निरंतरता बनी रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।